आज हमने प्राचार्य मोदी जी को ज्ञापन दिया जिसमें कि जो कॉलेज के आवेदन की तिथि है आज लास्ट तारीख है, जिसको बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जाति मूल और EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा JEE राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई ने सौंपा प्राचार्य को ज्ञापन। प्रथम वर्ष के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की करी मांग। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छात्र इकाई के द्वारा कॉलेज परिसर में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इकाई अध्यक्ष आकाश सिंह राजावत और महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में छात्रों ने प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कॉलेज आयुक्तालय ने राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है, लेकिन अभी अधिकांश विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। कोरोना महामारी के कारण वे विद्यार्थियों के जाति व मूल प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र नहीं बन पाने और 12वीं में अधिकांश शासित छात्राओं के प्रमोट होने के कारण अधिक संख्या में विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, जिससे पोर्टल पर भी दिक्कतें आ रही हैं। इन समस्याओं के कारण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में देरी हो रही है। ऐसे में अंतिम तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से रोका जाए। आज हमने प्राचार्य मोदी जी को ज्ञापन दिया जिसमें कि जो कॉलेज के आवेदन की तिथि है आज लास्ट तारीख है, जिसको बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जाति मूल और EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए और इस बार 12th में अधिक विद्यार्थी प्रमोट हुए, जिसके कारण उनको सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो सब वंचित रह चुके हैं, क्योंकि है ना EWS ये सब बनवा नहीं पाए। और मैं आज हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द ये तारीख बढ़वाई जाए, क्योंकि किसी भी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ ना हो उनकी ज़िंदगी के साथ, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने प्राचार्य मोदी जी ने आश्वासन दिया कि आगे भेजेंगे से जरूर और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी इसमें।